से जानने का हम प्रयास करेंगे और इसके लिए मैं इस कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर सरयू शर्मा जी से निवेदन करती हूँ कि वह आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर रमाकांत आंगिरस जी का स्वागत भी करें और उनका परिचय भी हम सब से कराएं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर सरयू शर्मा, धन्यवाद विजय मैडम। हिंदी विचारोत्सव श्रृंखला की आज की कड़ी के हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर रमाकांत आंगिरस जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। 25 जुलाई 1936 को जन्मे डॉक्टर आंगिरस संस्कृत के प्रकांड पंडित हैं तथा वर्तमान में दर्शन योग संस्थान डलहौजी के प्रधान पद को सुशोभित कर रहे हैं। कालिदास चेयर के पूर्व प्रोफेसर रहे हैं तथा पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष के पद को इन्होंने सुशोभित किया है। 42 वर्षों का आपका शैक्षणिक अनुभव रहा है, जिसमें अनेक छात्र छात्राओं ने आपके निर्देशन में एमफिल पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। आप देश विदेश में अनेक संस्थानों से जुड़े रहे हैं। सारस्वतम, जो कि संस्कृत विद्वानों का चंडीगढ़ में एक संघ है, उसके आप संस्थापक रहे। आपने अनेक देशों में जैसे यूएसए, इंग्लैंड, इटली में अपने व्याख्यान दिए हैं। आपके 70 से अधिक शोध पत्र विभिन्न शोध पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। विभिन्न विश्वविद्यालयों के अनेक राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों के आप अध्यक्ष रहे। आपकी 4 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और आपको बहुत से पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। आपको दर्शन और साहित्य की गहरी समझ है और आप अद्वैत वेदांत, शैववाद और भक्ति परंपरा के विशेषज्ञ हैं। सर, मैं केवल यही कहना चाहूंगी कि माँ सरस्वती की इतनी कृपा और उनका वरद हस्त आप जैसे महान व्यक्तित्व के ऊपर रहा है और इतनी महान विभूति से जुड़कर हम अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित अनुभव करते हैं। और अब मैं आज के हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर रमाकांत आंगिरस जी से निवेदन कर दूं कि वे अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। समादरणीय विजय शर्मा जी एवं सरयू शर्मा जी, आपके इस ज्ञान सत्र के सफलतापूर्वक संचालन के लिए बहुत बहुत मेरी ओर से मंगल कामनाएं। और इस आमंत्रण के लिए बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ और सभी जो यहाँ विद्वान श्रोता लोग हैं, आप सभी विभिन्न विद्यालयों से जुड़े हुए लोग हैं, तो विशेष रूप से जो हिंदी के प्रोफेसर लोग हैं उन सभी के प्रति आभार प्रदर्शित करते हुए मैं जो मेरे को अवसर मिला है उसमें कुछ मैं प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। तो ये विषय जब मेरे सामने आया तो थोड़ा सा मुझे बड़ी विलक्षणता से महसूस हुई कि हिंदी साहित्य का दर्शन इस विषय को लेकर के चर्चा कभी मैंने नहीं सुनी, विशेष रूप से कि हिंदी साहित्य के साथ जुड़ करके कुछ लोगों ने कि हिंदी साहित्य का भी कोई दर्शन होता है और वो कोई अलग विधा है हिंदी की, ऐसा मेरे ध्यान में नहीं आ रहा था। तो आशुतोष से अब मैंने 2-3 दफा कहा भी कि लेकिन उसका आग्रह था कि ये कैसे संभव हो सकता है कि जो कोई भी भाषा है, भाषा की जो भाषा का जो प्रस्फुटन होता है वो द्विमुखी होता है,
वो एक ओर हमारे विचारों का प्रतिनिधित्व करती है, दूसरी ओर वो हमारी भावात्मक चेतना का भी वो मार्ग प्रशस्त करती है। इसलिए हिंदी एक भाषा है और वो भाषा जो है उसके माध्यम से हमारा जो विचार जगत है, उस विचार जगत का जो उसने स्वरूप बनाया है, हिंदी जो है वो वैचारिक स्तर पर हमें कितना आंदोलित करती है और भावात्मक स्तर पर कितना आंदोलित करती है, तो उसका दर्शन तो अवश्य होने ही चाहिए। तो भारतीय परंपरा में जितनी भी भाषाओं का विकास हुआ है उनका आपस में लेन देन का संबंध तो रहा ही है। प्रत्येक भाषा कहीं ना कहीं से कुछ ग्रहण करती है, कुछ देती भी है, कुछ लेती भी है, तो इस प्रदान आदान प्रदान से ये इसमें जैसे देश के अंदर नदियां प्रवाहित होती हैं, उसी तरह से इस देश के अंदर भाषाओं का भी एक प्रवाह चलता रहा है और प्रत्येक भाषा ने अपने अपने क्षेत्र में ये इस प्रकार के विचारों की भावों की सृष्टि करने का सिंचन का काम किया है। तो उस दृष्टि से एक उपनिषद वाक्य की ओर मैं जाता हूं तो उसके अंदर एक बड़ी पंक्ति है, बड़ी प्रसिद्ध, जहां से हम शुरू कर सकते हैं। वो पंक्ति क्या है कि आत्मा वारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः मंतव्यः निध्यासितव्यश्च, कि ये जो मनुष्य का आत्मा है, ये जो मनुष्य का स्व है, ये मनुष्य स्वात्म जो है ये देखने की वस्तु है। अब ये द्रष्टव्य शब्द का वहां पर द्रष्टव्य है, हिंदी में हम समझते हैं कि देखने से यहाँ क्या अभिप्राय है, यहाँ देखना क्या आंखों से देखना है या उसमें अनुभव, इसका द्रष्टव्य का हम अगर उसकी लक्षणा को व्यंजना को देखें तो देखने के माने क्या होता है कि जरा देख के चलो, देख के चलो जब हम कहते हैं तो देखने का अभिप्राय वहां पर वो देख तो रहा ही होता है, लेकिन उसकी व्यंजना ये हो जाती है कि जरा सावधानता से जरा सोच समझ के चलो। तो मनुष्य को आत्म को देखना चाहिए, ये बात उपनिषदों के अंदर इसका बड़ा संकेत उपलब्ध हुआ कि आत्मा भी देखने की वस्तु है। फिर उसके अंदर वहां ये स्थापना होनी शुरू हुई कि ये सब जितना है देवस्य पश्य काव्यम, श्रुति के अंदर आया कि उस देवता के काव्य को देखो, ये सृष्टि जो है वो देवता का काव्य है, तो इस काव्य को देखो, सृष्टि के काव्य को देखो। न ममार न जीर्यति, जो न मरता है नष्ट होता है और ना कभी पुराना पड़ता है, हर जनरेशन जो आती है वो बिल्कुल नई जनरेशन आती है, नई उसकी सोच होती है, नए ढंग से ही उसका एवेल्युएशन होता है, मूल्यांकन होता है और उसमें कुछ ना कुछ, लेकिन वो एक निरंतरता के अंदर जो होता है उसका प्रवाह, वो उसके निरंतर के अंदर होता है, वो पिछली जनरेशन से कुछ लेता है और उसमें कुछ अपना डाल देता है और फिर अग्रसर कर देता है उसको। तो ये एक दार्शनिक चेतना, दार्शनिक चिंतन जो था ये कहीं मौलिक रूप में हमें स्वाभाविक रूप में ही, क्योंकि ये अपने स्वात्म को देखने की बात हो या लोक को देखने की बात हो, तो दार्शनिकता की जो दिशाएं हैं वो दो ही बनती हैं। और मूलतः हमारे वाङ्मय में दिशाओं को मूल रूप से दो ही मानते हैं, फिर वो चार हो जाती हैं दिशाओं को, ये उत्तर और दक्षिण दिशाएं जो हैं ये मौलिक दिशाएं, इनको माना जाता है दक्षिण और उत्तर की दिशाएं। दक्षिण और उत्तर से फिर पूर्व और पश्चिम का अब वो होता है कि जैसे हम पूर्वाभिमुख और पश्चिमाभिमुख, तो ये जो भाषा का जो दिशा दर्शन की दिशा बनी वो दिशा हम देखते हैं
कि प्रत्येक भाषा में उसका एक विचार विचार प्रवाह कैसे चला है, और विचार प्रवाह जो है उसके साथ साथ उसका भाव प्रवाह जो है वो भी किस प्रकार से चला है, और कैसे वो दोनों कहीं पर एक साथ चलने लगती हैं, फिर बीच में से अलग हो जाती हैं, पृथक कैसे प्रवाहित होती हैं। ये दोनों यानी एक ही तत्व से उठने वाली दो धाराएं, एक ही भाषा से उठने वाली दो धाराएं, इसलिए इसको बड़े मूल रूप में हमें ये कहा कि ये जो शब्द है, जो वाक है, जो हिंदी हिंदी है, संस्कृत है, कोई भी भाषा है, भाषा को शक्ति रूपा माना गया है, और ये स्वीकार किया गया कि वो जो वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरे, वैष्णव लोगों ने इसको ये स्वीकार किया कि वांगमयी मूर्ति शब्द मूर्ति जो है ये भगवान की जो भी परम सत्ता है उस परम सत्ता की, क्योंकि परम सत्ता का तो स्वरूप सामने कोई आता नहीं है, लेकिन शब्द रूप में परम सत्ता जो है अपने आप को अभिव्यक्त करती है, और इस शब्द सत्ता से शब्द सत्ता का जो है वो उभयमुखी दोनों दिशाओं में चलने वाला ये प्रवाह है, एक विचार प्रवाह और दूसरा भाव प्रवाह। और इस प्रवाह के अंदर देखने की बात यह है कि कितना गहरे उसमें कितना उसका वो विचार का विस्तार कितना होता है, यानी दर्शन का मतलब है स्वात्म विस्तार। किताब पढ़ना मतलब नहीं है उसका दर्शन का अभिप्राय है कि वो जो आत्मा जिसको देखने की बात कही थी, वो देखने का मतलब क्या है कि वो उसका विस्तार, वो पूरे विश्व को अपने भीतर समेट लेता है या नहीं लेता है, या बड़ी उसमें बड़े परिमाण में उसका विस्तार हो जाता है। और दूसरा दर्शन का दूसरा लक्ष्य होता है कि उसमें गहराई कितनी आए, विस्तार और उसकी जो गहराई है, जो डेप्थ है, वो गहराई जो है वो किस प्रकार से दर्शन के अंदर आए, तो आत्मा के अंदर विस्तार भी हो और आत्म के अंदर गहराई उस सचेतनता को, प्रत्येक कवि हो, प्रत्येक दार्शनिक हो, चिंतक हो, विचारक हो, ये हम अलग अलग नाम रख लेते हैं, लेकिन प्रत्येक कवि कुछ ना विचारक होता है, और प्रत्येक विचारक जिसकी कल्पना साथ में होती है, वो प्रत्येक दार्शनिक भी कल्पना से अलग नहीं होता है, वो भी कुछ एक कल्पनाएं करता है, भेद होता है तो प्रकार का भेद हो जाता है। जैसे मान लीजिए हिंदी के अंदर गद्य की धारा चल पड़ी, गद्य धारा में हमारे कुछ आचार्य लोगों ने बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का और दूसरे जो आचार्य लोग रहे जिन्होंने भाषा का मार्जन किया, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, कामता प्रसाद गुरु और ये किशोरीदास वाजपेयी जैसे लोगों ने हिंदी को व्याकरण के माध्यम से, क्योंकि व्याकरण की जो ट्रेडिशन चली आ रही थी, उन्होंने भाषा को सशक्त बनाया, क्योंकि ये वर्तमान हमारी जो हिंदी है, इस हिंदी का कोई व्याकरण सम्मत रूप उस वक्त तक बना नहीं था, तो उसको तैयार करने के लिए कि उसमें दर्शन और भाव संप्रेषण की पूर्ण क्षमता आ सके, इसके लिए भाषा को अपने आप को सशक्त तो बनाना होगा, और इस भाषा को सशक्त बनाने का काम व्याकरण करता है। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग के अंदर भाषा को इस हद तक लाने का प्रयास करने का कि वो जिससे उसका संप्रेषण शक्ति, उसकी जो कम्युनिकेशन पावर है, और अधिक से अधिक विस्तार को वो जो अपने में समेट सके, ऐसी भाषा के अंदर वो शक्ति को लाने का, जिसको प्रायः लोग खड़ी बोली समझ करके बड़ी उपेक्षित वस्तु समझते थे, तो उसको उन्होंने व्याकरण के माध्यम से एक सामर्थ्य प्रदान किया। तो वो भाषा किस स्तर तक, भाषा का जो विज्ञान है, भाषा का जो सामर्थ्य है, उसको तैयार कैसे किया जाए। अब उसमें आया साहित्य, आया तो उस भाषा का जो साहित्य है उसको हम देखें तो प्रायः बहुत लंबे विस्तार में, इतने थोड़े समय में पूरी चर्चा करनी तो संभव नहीं होगी कि आदि काल से या वीर गाथा काल से या
उस काल से हम सारा डिंगल पिंगल और ये सारी भाषा के प्रकार भेदों को उस ढंग से साहित्य के प्रकारों को लें वो संभव नहीं हो पाएगा। तो इसमें हम अगर देखें तो सबसे पहले हमारे सम्मुख आता है कि हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य की इतिहास परंपरा के अंदर देखें तो वैष्णव भक्ति का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। वैष्णव भक्ति में जो आचार्य लोग थे ये मूलतः आचार्य लोग दार्शनिक थे और इन लोगों की संप्रेरणा से जो दूसरे लोग जो थे इनके आसपास की परिधि इनकी जो थी परिवेश था उसमें कविता का जन्म हुआ। जो सारा भक्ति काव्य जिसे हम कहते हैं, एक नाम अगर हम लें निर्गुण भी भक्ति का विषय है और सगुण भी भक्ति का विषय है। तो निर्गुण चाहे विचारधाराएं चली तो चाहे उसमें सगुण विचारधाराएं चली, उनके अंदर हम देखते हैं कि इन आचार्य रामानंद जो पहले आचार्य थे जिन्होंने इस राम भक्ति धारा हिंदी को एक वैष्णव भक्ति आंदोलन जो उधर से दक्षिण से आया था उस आंदोलन के परिणाम स्वरूप जो आकर के रामानंद ने उसके अंदर जो परिशोधन परिवर्तन किया और लोक के साथ उसको कैसे जोड़ा, तो उसमें हम देखते हैं कि एक एक बड़ा सुष्ठु जो विचार था, विचार सौष्ठव के बिना हमारा भाव जगत जो है वो ठीक से चल नहीं पाता है। जहां कोई एक पीछे विजन नहीं होता है, जो दृष्टि नहीं होती है, दर्शन नहीं होता है, तो वहां पर महाकाव्यों की सृष्टि नहीं होती। छोटी मोटी एक भावात्मक कल्पनाएं उठती रहती हैं, चलती रहती हैं, लेकिन उसमें जो चिरजीवी साहित्य है वो चिरजीवी साहित्य जो है वो उसका उदय संभवतः तब तक नहीं हो पाता जब तक एक मौलिक कोई दर्शन उसके पीछे काम नहीं करता। तो ये एक हम देखें तो हिंदी साहित्य के उस भक्ति काल भक्ति युग के अंदर भक्ति दर्शन की स्थापना हुई। भक्ति दर्शन की स्थापना में ये था कि चाहे वो निर्गुण राम भक्ति धारा रही तो उसमें हम देखते हैं कि दर्शन और काव्य का एक बड़ा मिला जुला रूप है। एक और हमें लगता है कि कबीर जो है वो छायावादी कवियों की तरह वो काव्य का जो है इस प्रकार की भी रचना करते हैं काव्य की कि राम मेरो पीयू मैं तो राम की बहुरिया। अब ये राम मेरो पीयू मैं तो राम की बहुरिया, इसका अगर बौद्धिक रूप से वैचारिक दृष्टि से हम मूल्यांकन करने लगेंगे इस पंक्ति का बिल्कुल कबीर का सत्यानाश कर देंगे, लेकिन काव्य की दृष्टि से देखेंगे तो इसमें हमें कुछ अध्यात्म नजर आएगा, कुछ और दृष्टि नजर आएगी, कुछ रहस्यवाद नजर आएगा, कुछ और नजर आएगा। लेकिन वही कबीर अपना काव्य करते करते वो दार्शनिक की भूमिका में चले जाते हैं। कबीरा इस संसार में मैं वो केता हूं केता मैं समझाए, इस संसार को मैं कबीर कहते हैं कि मैं कितना समझाऊं, कबीरा इस संसार को मैं केता समझाए और पूंछ जो पकड़े भेद की और चाहे वो उतरना चाहे तो उतरना चाहता है संसार उसमें कि मोक्ष पाना चाहते हैं लोग दुख के बाहर निकलना चाहते हैं, भौतिक आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तापों के अंदर से निकलना चाहते हैं, पूंछ जो पकड़े भेद की, लेकिन कहते हैं कि वो भेद की पूंछ को पकड़ा हुआ है, सहारा ले रहे हैं मिथ्या का, सहारा ले रहे हैं झूठे व्यवहार का, झूठी कल्पनाओं का, झूठे रीति रिवाजों का, झूठी विचारधाराओं का, और पूंछ तो भेद की पकड़ी हुई है, सब जगह खंड दृष्टि पकड़ी हुई है, टुकड़ों टुकड़ों में सारे ज्ञान को बांट रखा है, ये ज्ञान ऐसे है, ऐसा नहीं है। इसको अगर आप देखें खंड दृष्टि को तो भेद को पकड़ने का मतलब है उस खंड दृष्टि से ही सब लोग चल रहे हैं, और ये जो खंड दृष्टि है ये बिना अखंड दृष्टि के समाज की संरचना समाज को एकीकृत नहीं कर सकती है। हमारा जो समस्त
हिंदी दर्शन में जो नई विचारधारा के साथ उदय हुआ उसको भी हम देखेंगे, कि जिसको हम मानववाद कहते हैं, ये परवर्ती आचार्य लोगों ने जिसको प्रत्यक्ष कहा, उसकी भी भूमिका आपको भक्ति दर्शन में मिलेगी। तो ये जो उसमें कबीर कहते हैं जब कि पूंछ जो पकड़े भेद की और चाहता है पार उतर जाना कि मैं पार उतर जाऊं। अब भेद की भिन्नता की, जाति पात की भेद को, भिन्नता को, अब ये वो उसे मुखरित कर रहे हैं। ये एक विचार है, इसमें भावात्मकता की वजह, इसमें व्यंजना है कि भेद को पकड़ना, उसको भेद की पूंछ को पकड़ा हुआ है और पार उतरना चाहता है, संसार के पार बाहर निकलना चाहता है, दुखों से बाहर निकलना चाहता है, ये संभव नहीं है। इसलिए एक साथ ही एक कवि जो है वो दार्शनिक भी है और कवि भी है। वो कविता में जरा हृदय का आवेश और उसके अंदर शुद्ध बुद्धि का सन्निवेश, वैचारिकता के अंदर, दार्शनिकता के अंदर हम अंतर इस तरह से करके चलते हैं कि बौद्धिक जो सूक्ष्मता है, बौद्धिक जो सत्व है, उस बौद्धिक सत्व का उदय दर्शन के अंदर होता है। भाव सत्व का उदय जो है, चित्त सत्व का उदय जो है, वो काव्य के अंदर, साहित्य के अंदर और धाराओं के अंदर होता है, उसमें भाव धाराओं के अंदर होता है। इस तरह से हम देखें तो भक्ति काल के अंदर जो भक्ति दर्शन का उदय हुआ, उस भक्ति दर्शन का भी जो दृष्टिकोण, चाहे कबीर के उसमें काव्य में आप देखेंगे तो वो हमेशा कविता नहीं कर रहे हैं। बनो तेरा मेरा मनवा कैसे एक होए, मेरा तुम्हारा मन कैसे एक हो सकता है, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखिन की देखी, मैंने जो साक्षात अनुभव किया है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तुम कागज पर लिखे हो की बात कर रहे हो। तो यहाँ पर बौद्धिकता और हृदय के साथ, बौद्धिकता का हृदय के साथ एक संघर्ष है। वो दोनों एक कागज की लेखी जो है वो एक एक बाह्य बौद्धिकता है, स्थूल बौद्धिकता है। उस स्थूल बौद्धिकता का हृदय विरोध करता है कि मैं कहता आंखिन की देखी, यहाँ आंखों से देखना का अर्थ दर्शन है, अनुभव है, साक्षात अनुभव है। तो दर्शन एक भी अनुभव है और काव्य भी एक अनुभव है, लेकिन ये अनुभव भाषा जो है ये दोनों द्वारों से अपने ये दर्शन को भी जन्म देती है और ये उसमें काव्य को भी जन्म देती है, साहित्य को भी जन्म देती है। इसलिए साहित्य शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तो बहुधा हम ये साहित्य के अंदर हम विज्ञान को, ज्ञान को, दर्शन को, विचार सरणियों को, सभी के लिए सामूहिक शब्द भी कई बार प्रयोग कर लेते हैं कि साहित्य के माने सिर्फ कविता मात्र ही नहीं है, उसके अंदर, उसके भीतर दर्शन भी आ जाता है। और इसलिए दर्शन और काव्य का नितांत ऐसा भेद हो, इस प्रकार का ना उपनिषदों ने किया ना कुछ दूसरे लोगों ने किया। ये बाद में जो अधिक सूक्ष्मता जो संप्रदाय चले, उस संप्रदाय के अंदर विशेष रूप से लोगों की सुविधा के लिए वर्गीकरण कर दिए गए कि दर्शन को ऐसे समझाया जाए, ऐसे समझाया जाए कि ये राम जी की बात करो, कि राम जी को अब तुलसीदास हिंदी साहित्य के एक ऐसे चतुष्पथ हैं जो जिनमें ये दार्शनिक दृष्टि का, काव्य का अद्भुत समावेश है। बहुत सारा ऐसा है कि जिसको देख करके ऐसे लगता है कि कुछ लोग अगर उनको भक्ति काल का वाल्मीकि ही कहें और उसकी अतिरिक्त वाल्मीकि कहने के साथ साथ वो जो अपनी आत्मस्वीकृति उनकी है वो बड़ी मार्मिक है। उस आत्मस्वीकृति के अंदर वो कहते हैं कि देखिए मैंने जो ये रामायण की रचना की, इस रामायण की रचना में मैंने क्या किया है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत। अब नाना पुराणों में निगम में आगम में तो दर्शन है, वो केवल काव्य नहीं है। वहां पर रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि,
और रामायण में जो कहा गया और अन्यतः और भी कहीं पर और कहीं क्या चीज है जो रामायण में कहा गया, जो काव्यों में कहा गया है और जो अन्य जगह कहा गया है, वो चाहे उसका अर्थ आप रघुवंश कर लें और नाटक कर लें, सब जो राम कथा को लेकर के नाटकों की रचना हुई या अन्य रचनाएं जो हुई, लेकिन उसके अंदर कालिदास के पास भी जब काव्य था तो कालिदास के पास एक दर्शन भी था, बहुत गहरा दर्शन था। उसके दर्शन ने ये बहुत सारा जो शैव शास्त्र शैव दर्शन है, शैव दर्शन की भूमिका को अगर बहुत लोग देखें तो कालिदास के काव्यों में उसे ढूंढा जा सकता है, उसे देखा जा सकता है। और बड़ा स्पष्ट जो दार्शनिक लोग जिसको प्रकट नहीं कर पाते हैं, कवि कई बार उसको बहुत सरलता से समझा देता है, कह देता है, कम्युनिकेट कर देता है। उसका आप देखिए वो समाधि का निरूपण करते हैं हम, क्योंकि समाधि के निरूपण में बहुत जोर लगाना पड़ता है, योगियों को भी समझाने के लिए बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन कालिदास एक पद्य के अंदर भगवान शिव की समाधि का जो निरूपण करते हैं तो कहते हैं अभिष्ट संरम्भमिवाम्बुवाह, भगवान शंकर की समाधि कैसी है कि भीतर ही भीतर अपना जो सारी चिति जो है वो चिति शक्ति जो है वो ऐसी आरूढ़ हो गई है कि जो अवृष्टि संरम्भम इवाम्बुवाहम, जैसे अम्बुवाह कहते हैं बादल को, भरा हुआ बादल जैसे होता है लेकिन बरस नहीं रहा है, वो अवृष्टि संरम्भ है। अपामे बाधार मनुतरंगम, उनका अंतकरण जो है वो उस व्यापक समुद्र की तरह है जिसके अंदर कोई वेव नहीं उठ रही है, शांत समुद्र है, समुद्र शांत है। अंतश्चराणाम मरुताम निरोधात, भीतर नस नाड़ियों के अंदर घूमने वाली जो वायु तत्व है, उस वायु तत्व को नियमित हो जाने से, उसको संयत हो जाने से, उसको रोक लेने से निवात निष्कंपमिव प्रदीपम, जैसे निष्का निवात स्थान में वायु रहित स्थान में जैसे दीप शिखा जलती है, ऐसी ही दीप शिखा जो है उस दीप शिखा की तरह आत्मानमात्मन न्यवलोक के अंतम, वो अपने स्व में स्व को ही देख रहे हुए हैं। ये समाधि का निरूपण एक पद्य के अंदर वो कर देती है। ऐसी आप देखेंगे कि हिंदी के वो छायावादी कवि हो, महादेवी वर्मा हो, निराला हो, सुमित्रानंदन पंत हो, प्रसाद हो, राम कुमार वर्मा हो, दिनकर हो, बहुत जगह जहां पर वो कविता करते करते एकदम उसमें दर्शन की एक ऐसी गुत्थी को काव्य के माध्यम से समझा जाते हैं कि जिसको हम बहुत 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 वाक्यों के प्रयोग के बाद भी हम नहीं समझ पाते। एक उस स्थिति का निरूपण कर देना, एक ऐसी स्थिति का निरूपण कर देना जो बहुत ही उलझी हुई स्थिति है, उसको एक वाक्य में सरलीकृत कर देने की क्षमता जो है ये वाक् सिद्ध कवियों में होती है, विचारकों में भी होती है, कवियों में भी ये उसमें होती है, तो एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं कवि और दार्शनिक लोग। तो प्रत्येक कवि में उसके मूल में एक दर्शन होता है। तो तुलसीदास जब कहते हैं ये कि मैं ये नाना पुराण निगमागम संबंध रामायण में जो कहा और कुछ धन्य तो होगी, लेकिन आए कहां लौट के स्वांत सुख आए, कि अपने स्वांत सुख के लिए वो सब जो बाहर था उस सब को मैंने अपने स्व में लपेटा है, उस स्व को स्व में उसको डाल करके देखा है, वो एक मेल्टिंग पॉट है जिसके अंदर मिलकर के सारा आगम निगम के सारे विचार सारी धाराएं। और इसलिए कई जगह मैंने देखा है कि तुलसीदास जो है वो अपने काव्य के अंदर संस्कृत से जब कुछ ग्रहण करते हैं, संस्कृत के महाकवियों से जब ग्रहण करते हैं कुछ, तो वो उसको अनुवाद नहीं होता है, वो एक उनका अपने उसमें एक मौलिक कृति में परिणत हो जाता है, वो उसको एक नवीन दृष्टि नवीन स्थिति दे देते हैं। तो हिंदी वहां पर
किसी दूसरी भाषा से पीछे नहीं हट के आप नहीं रहती है। ऐसे बहुत सी चौपाइयों में, दोहों में और उनके दूसरे विनय पत्रिका आदि काव्यों में, दूसरे काव्यों के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे प्रयोग मिलेंगे, जिन प्रयोगों के अंदर आप देखिए वो हैं संस्कृत काव्यों से गृहित किए हुए, लेकिन वो गृहित होने पर भी वो गृहित है ही नहीं उनका, बल्कि उदात्तीकरण हो गया हुआ है उसमें लोक भाषा के अंदर। और भाषा भी कैसी चुनी कि अवधि जिसके अंदर वो जो जिस भाषा को अभी प्रयोग हुए नहीं थे, एक कवि ने अपने विचार और दर्शन के माध्यम से उसके अंदर मानस, जैसे रामचरित मानस जैसे महाकाव्य की सृष्टि करके एक पूरा भक्ति दर्शन उसे स्थापित कर दिया और रामानंदी विचारधारा को, वो रामानंदी विचारधारा का केंद्र वाराणसी बन गया। और वहां से वैष्णव भक्ति जो थी उसने अपनी आचार मीमांसा प्रकट कर दी कि ये हमारी आचार मीमांसा है। आचार मीमांसा को कैसे प्रकट है, वैष्णव जनते देने के लिए पीर पर आई जाने के। वो गुजरात की तरफ भी विचारधारा वहीं से वैष्णव धारा चल लिया, जिसे कहते हैं लाए रामानंद प्रकट किया कबीर ने सप्त द्वीप नौखंड। तो कबीर ने वाराणसी में उसको प्रकट किया और उस राम भक्ति धारा को वो निर्गुण रूप में कहीं चली गई, सगुण रूप में चली गई, पंजाब की ओर आ गई, बंगाल की तरफ चली गई, दक्षिण से आई, सारे भारत में पश्चिम में चली गई। तो उन्होंने अपनी एक आचार मीमांसा दर्शन के अंदर यही होता है, एक है उसमें जो तात्विक दर्शन है उसका, उसका कंटेंट है, उसका दर्शन का कंटेंट है, उसमें कंटेंट दिया सिया राममय सब जग जानी करूं प्रणाम जोड़ी, गिरा अर्थ जल वीची सम कहिए तो भिन्न न भिन्न। कालिदास ने जैसे अपने काव्य के अंदर कहा था वागर्थ प्रतिपक्ते वागर्थ वागर्थाविव संप्रिक्तो, तुलसीदास उसको वागर्थाविव संप्रिक्तो की बजाय वो उसे इस प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं, गिरा अर्थ जल वीची सम, पहले तो ले लिया वहां पर कि गिरा अर्थ जल वीची सम कहिए तुम्हें, दूसरे में कहा जैसे पानी और पानी की लहर अलग नहीं होती है, ऐसे ही राम शिव और शक्ति तत्व, राम और सीता ऐसे ही परस्पर में ये अभेद भाव से आते हैं, अभेद भाव से ही उनका स्वरूप जो है वो, ये तत्व मीमांसा उनका जो तत्व दर्शन है, तत्व दर्शन के रूप में उन्होंने उस अभेद को स्थापित कर दिया कि राम और सीता जो है ये एक अभेद सत्ता के दो रूप, एक ही सत्ता है, एक ही कॉइन है, उसी के दो पक्ष हैं, उसमें वो उसको अर्धनारीश्वर रूप, शैवों ने उसको अर्धनारीश्वर के रूप में ले लिया, वैष्णवों ने उसको इस प्रकार से ले लिया कि बंदो सिया राम पद, राम और सीता दोनों कैसे हैं जल बीच सम कहिए तो भिन्न न भिन्न, कैसे भिन्न कहे हम, तो जो कबीर पीछे से कह रहे थे कि पूंछ जो पकड़े भेद का उतरा चाहे पार, तो ये संसार जो है पूंछ की भेद पकड़ के तो कहते नहीं, ये भेद की पूंछ का समाधान मैं देता हूँ। तो ये उसके अंदर वो तत्व मीमांसा की दृष्टि से अगर देखें तो भक्ति दर्शन ने अपने अपने इष्ट की स्थापना करके अपने अपने इष्ट के स्वरूप का तात्विक दृष्टि से, चाहे शुद्धाद्वैती बल्लभ दर्शन था तो उसमें भी आचार्य बल्लभ, जैसे राम उसमें भक्ति के अंदर स्वामी आचार्य रामानंद का स्थान है, उसी तरह से कृष्ण भक्ति में बल्लभाचार्य का भी शुद्धाद्वैत का भी वैसे स्थान है। और उसको दर्शन बनाया पहले उन्होंने, ये चाहे दर्शन जो था उसमें महाराज जो भगवान ब्रजेश तद्धाम वृंदावनम, हमने उसमें कृष्ण जो है वो हमारा आराध्य, कृष्ण को उसमें तत्व रूप में स्वीकार कर लिया, फिर कृष्ण के स्वरूप को जिस ढंग से प्रस्तुत किया वो उसका जो दार्शनिक पक्ष है वो आपको शुद्धाद्वैत ग्रंथों के अंदर जाकर के पता लगेगा कि शुद्धम अद्वैतम, वो शुद्ध भी और अद्वैत भी है,
लेकिन उस दर्शन ने ऐसा काव्य हिंदी को दिया, ऐसा काव्य दिया, मैं कई बार आश्चर्य करता हूँ कि सूरदास के काव्य की तुलना में बहुत बहुत कठिनाई से कि इस एक वात्सल्य को लेकर के इतना समृद्ध, इतना संपन्न काव्य और इतनी जिसकी कल्पना शक्ति, जिसकी इमेजरी जो है बड़ी सशक्त है, लेकिन उसके मूल में कौन था? तो वो कहते हैं कि सूरदास के कान में वल्लभाचार्य ने जब कहा कि अरे ये ऐसे क्यों बोलते हो, ये अपने आप को क्यों दीन हीन बना करके मौसम कौन कुटिल खलकामी गा रहे थे, कहा कि अपने आप को क्यों कंडम करते हो, जो कुछ भगवत लीला वर्णन करो, भगवत लीला का कथन करो, तुम गान करो, तो सूरदास कहते हैं कि मुझे उसमें कान में मंत्र पढ़ते ही उसके अंदर हरि लीला भासी, हरि लीला का भासना ये साक्षात्कार, ये स्वात्म साक्षात्कार है। और फिर उसमें हरि लीला भासी तो उससे सूर सागर, सूर थारावली, साहित्य लहरी, लेकिन उनके भ्रमर गीत को और उसकी जो बाल लीला है उनको देख करके अगर आप देखे तो वो मास्टर जो भाषा की मास्टर ब्रज को जो एक स्वरूप मिलता है, ब्रज का जो एक मार्मिक रूप बनता है, ब्रज को जो इतना बड़ा बहुत यशस्वीता मिलती है उस सूर के काव्य के कारण मिलती है, लेकिन उसके मूल में कहीं आचार्य दर्शन भी था। इसी तरह से राम भक्ति के अंदर मूल में आचार्य रामानंद का दर्शन भी था, जिसे प्रपत्ति दर्शन कहते थे। प्रपत्ति का अभिप्राय था कि जो भी मेरे पास आ जाता है तबास्मी इति याचते, अभय, मैं उसको अभय देता हूँ, जो भी उसमें मेरी शरण में आता है, जो मेरे पास आता है, वहां शरण में आने का मतलब किसी व्यक्ति का मार खा करके भाग के आने का नहीं है, उसमें यह है कि जो स्वीकृत करता है वो मैं उसके साथ मैं उसको अपना स्वरूप दान करता हूँ, मैं उसे अपने साथ मिलाता हूँ। इसलिए ये भक्ति मध्य काल का जो भक्ति दर्शन है उसने हिंदी को, हिंदी का उसमें बहुत बड़ा हिंदी के दर्शन का योगदान है। उसके कारण ये अगर आप देखें तो महाराष्ट्र के अंदर एक क्रांति उठती है, एक ज्वाला उठती है, लोगों की चेतना में एक परिवर्तन उठता है। अगर वो वैष्णव भक्ति जो है बंगाल में जाती है तो वहां पर भी उसमें एक आंदोलन उठता है, पूरा बंगाल कृष्णमय हो जाता है, वो कृष्णमय हो जाता है, उसमें कृष्ण प्रेम साध्य नहीं, वो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम जो है वो साध्य नहीं है, वो कोई बनाने की चीज नहीं है, वो तो नित्य सिद्ध है। ये गौरांग महाप्रभु कहते नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभू ना है, वो कभी साध्य था ही नहीं, साध्य वो होता है जो बनाया जाए, जिसको पैदा किया जाए, जैसे हम कोई घर बनाते हैं। कृष्ण प्रेम कोई साध्य नहीं है, वो नित्य सिद्ध है, उसका उदय होने की बात है, वो जिस भक्त के भीतर जागृत हो गया, अगर सूर के अंदर वो जागृत हो गया तो सूरदास का वो काव्य, उसकी पंक्तियां एक नहीं अनेक पदों को जब देखता हूँ तो उन पदों के अंदर देखता हूँ कि ऐसा ऐसी बात और किसी को कहने में, अबहरी गोकुल चाहे तो आवेगी, वो अबहरी भय चिकनिया, इस चिकनिया शब्द का प्रयोग देखता हूँ कि ये ब्रज ने वो चिकना को चिकना कहने के पीछे क्या व्यंजना है, क्या उसमें सार गर्भित है, तो उन पदों को देखा जा सकता है सूरदास के बहुत ही। तो भाव के पीछे, काव्य के पीछे एक दर्शन की पृष्ठभूमि निश्चित रूप से रहती है। ये हमारी भारतीय परंपरा में नहीं, पश्चिम की जो भाषाएं हैं उनकी साहित्यिक परंपरा में भी वही साहित्य ज्यादा संपन्न हुआ है, जिसकी पृष्ठभूमि में कहीं ना कहीं वो चाहे ग्रीक ट्रेडिशन थी, चाहे उसमें रोमन था, कोई भी उसके पीछे एक मूल दर्शन कोई ना कोई उनका रहा होगा, वो ऐसे नहीं है। इसलिए जो काव्य के विषय में जो बात कही जाती है उसको वो कश्यप संचर के विश्व को,
एकस्य गच्छति कवेर गृहे एव काव्यम्। एक कवि ऐसे होते हैं कि उनका काव्य उनके घर में ही रह जाता है, वो लिखते हैं और अपने घर में ही रह जाता है। अन्यस्य गच्छति सुहृद भवनानि यावत्। और कुछ कवि होते हैं जिनकी कविता वो मित्रों के घरों तक चली जाती है। और कस्यापि संसर्ग विश्वकुतुहलि। और कोई एक कवि ऐसा होता है जिसकी कविता विश्व कुतूहल, विश्व के अंदर कुतूहल का विषय बनती है, विश्व के अंदर उसकी एक ऐसी अपील बन जाती है कि लोग पढ़ना चाहते हैं, लोगों ने भाषाओं में अनुवाद कराए उसके, हर एक भाषा के अंदर। अब ये देखिए, छोटी छोटी पुस्तकें हैं, उपनिषद ग्रंथ हैं, दूसरे काव्य हैं। कालिदास का शाकुंतल जब वहां गया, जर्मनी में गया, तो वहां पर गेटे ने, दूसरे लोगों ने, और धड़ाधड़ शाकुंतल के समस्त यूरोपियन भाषाओं के अंदर अनुवाद होने शुरू हो गए कि हम देखना चाहते हैं कि शाकुंतल के अंदर कालिदास ने क्या रखा है। ये शाकुंतल जो है कहीं कामायनी की प्रेरणा के मूल में कहीं शाकुंतल तो नहीं है? ये हिंदी वालों को सोचना चाहिए, कहीं किसी ने विचार किया हो, जरूर किया होगा। लेकिन वहां पर वो अगर आप देखें तो कामायनी के मूल में कहीं श्रद्धा वित्तम विधिष्ठेति, ये सप्तम अंक के अंदर जो शाकुंतल के आता है, वहां लगता है कि तीन लोगों के लिए जब ये बात ऋषि मरी कहते हैं, ये तुम राजा, तुम और दिष्ट्या शकुंतला साध्वी। ये शकुंतला सचमुच में साध्वी शकुंतला, क्या कमाल, क्या नारी चरित्र है ये। दिष्ट्या शकुंतला साध्वी सदपत्यम इदम भवान। और ये आपका अपत्य, ये आपकी जो संतान है, ये भरत और विधि रूप आप हैं। श्रद्धा शकुंतला क्या है? श्रद्धा है। और आपका जो भरत है, ये आपका वित्त है। और आप क्या हैं? आप विधि, आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोशल बीइंग, आप उसका एक संविधान है जैसे। तो त्रितयम न समागतम, ये तीनों का जो हो जाना है कामायनी में, श्रद्धा और मानव और मनो, ये तीनों का एक इस प्रकार से प्रकारांतर से स्वरूप हुआ। तो ये आदान प्रदान जो है काश्मीर शैव शास्त्र से कालिदास ने लिया होगा, कालिदास ने उसको परिष्कृत करके दर्शन को वापस दिया होगा। तो ये एक प्रकार से हम दार्शनिक दृष्टि से अगर देखें, तो उसके बाद हम देखते हैं कि इस भक्ति दर्शन के बहुत से और पक्ष जो हैं वो जागृत हो उठेंगे। लेकिन आधुनिक युग में थोड़ा सा आ जाए तो आधुनिक युग के अंदर भी ये भाषा चेतना के प्रति जागरूकता हमारे में आती है। जब हम चाहे भारतेंदु हरिश्चंद्र को देखते हैं, तो वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की इस प्रकार की बात कर देते हैं, निज भाषा उन्नत है सब उन्नत को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिट नहीं को शूल। अरे अपनी भाषा, अपनी भाषा के बिना, ये आज की युग ये संकट सबसे बड़ा एक भाषाई संकट हमारे सम्मुख उपस्थित हुआ है। और वो भाषाई संकट क्या है कि बिना उस पूरी संवेदना के, बिना पूरी संवेदना के हमने बाहर से कुछ एक टर्म्स जो अंग्रेजी में आई वो कॉइन कर ली, और उन कॉइन की हुई उन टर्म्स के माध्यम से उसको हम स्वेलो तो कर गए, लेकिन उसको एसिमिलेट बॉडी ने नहीं किया, और उसके कारण सामाजिक और व्यक्तिक स्तर के ऊपर बहुत सी व्याधियां खड़ी हो गई। वो भारतेंदु कहे निज, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न ही को शूल, हृदय का शूल नहीं मिटता है। इसलिए अपनी भाषा में बात करो बेटा, अपनी भाषा में जरा ठीक। लेकिन उस समय ये भाषा जो थी हमारी, जो वर्तमान हिंदी है, वर्तमान हिंदी उस समय इतनी सशक्त भी नहीं थी, तो इसलिए वो ब्रज में लिख रहे थे कुछ, उसमें भक्ति दर्शन के प्रभाव में चल रहा था। लेकिन अब एक नया दौर शुरू हुआ, उस नए दौर के अंदर दो धाराएं एक साथ चली, काव्य धारा और गद्य की धारा भी चली। और गद्य के अंदर भी हमारे जिसे कहना चाहिए, बहुत ही जिनका मैं समझता हूँ कि
हिंदी में योगदान है इस दार्शनिक क्षेत्र के अंदर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और जिन्होंने ये उस समय चिंतामणि दो भागों में लिख करके और फिर रसमीमांसा में, तो कोई बहुत ऐसा मुझे नहीं लगा है, लेकिन चिंतामणि के माध्यम से उन्होंने जो योगदान किया और आलोचना ग्रंथों के अंदर जो उन्होंने भूमिकाएं लिखी और दूसरे ग्रंथ लिखे, उसके माध्यम से उनका जो योगदान है वो एक बड़ा स्पष्ट सी कल्पना देते हैं हिंदी वालों को। वो कहते हैं कि देखिए, जो लोग ये कहते हैं कि उपदेश से, एडवाइस करने से और ग्रंथ पढ़ाने से कुछ लोगों में परिवर्तन हो जाएगा, सामाजिक परिवर्तन आ जाएगा, अब ये सामाजिक परिवर्तन का चिंता जो थी वो बहुत बड़ी चिंता उस समय सारे देश में चल रही थी, उसका प्रतिनिधित्व हिंदी करती है। तो वो कहते हैं कि नहीं, ये जो समाज है, समाज का जो स्थायी भाव है, साहित्य के माध्यम से संभव है। वो कहते हैं कि दार्शनिक ग्रंथों को उसने पठन पाठन से उस ढंग से सामाजिक परिवर्तन नहीं लाया जा सकता जितना कि साहित्य के माध्यम से लाया जा सकता है। क्यों साहित्य के माध्यम से लाया जा सकता है? क्योंकि साहित्य जो है वो समाज के व्यक्तियों के जो उसका हृदय पक्ष है, जो उसके स्थायी भाव है, वो स्थायी भावों के साथ संबंध रखता है। और स्थायी भाव जो है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक स्थायी भाव होता है जिसको हम अगर किसी और दृष्टि से भी देखें, वो स्थायी भाव क्या है, वही मनुष्य होता है जो जिसे वो छोड़ नहीं पाता है। तो ये स्थायी भाव जो है, इन स्थायी भावों का रूपांतरण, ये ट्रांसफॉर्मेशन की कल्पना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की वहां पर। ये ट्रांसफॉर्म करना है, अगर व्यक्तित्व को ट्रांसफॉर्म करना है या अगर समाज को ट्रांसफॉर्म करना है, तो उसका सबसे सशक्त माध्यम सत साहित्य, जो लोक मंगल की दिशा में जाने वाला साहित्य है। यहाँ पर हिंदी भाषा को ये इन आचार्य लोगों ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, नंदुलारे वाजपेयी थे और आचार्य सारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य द्विवेदी जी के साथ थोड़ा सा संपर्क भी हमारा हुआ, दो तीन बार चार बार, और उनके साथ बातचीत से बहुत कुछ ऐसे लगता था कि एक इस व्यक्ति के अंदर एक आलोक है, एक प्रकाश है, और वो आलोक जो है वो जब बोलने लगते थे, बोलते थे, बात करते थे, लिखते थे, तो उसके अंदर वो दिखाई देता था हमको। तो वो उसमें ये जो एक हिंदी के पास दृष्टि आई, इस दृष्टि का जो अग्रसरता थी, जो गद्य के माध्यम से, वो चाहे उपन्यास के क्षेत्र में आई हो, चाहे कहानी के क्षेत्र से आई हो, निबंधों के क्षेत्र से आई हो, वो एक वैचारिकता, एक सुसंगठित वैचारिकता जो थी वो उदय हो रही थी। उसको अग्रसर और आगे 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 उसे बढ़ना था, उसे और आगे चलना था, रुकना नहीं था उसे। लेकिन वो बीच में आकर के कुछ ऐसा हुआ कि हिंदी में आचार्यत्व क्षीण होता चला गया और काव्य के क्षेत्र में भी मंदता आती चली गई, और संभवतः उसके अंदर एक वैचारिकता ज्यादा हावी हो गई। और लेकिन वैचारिकता में भी लोगों ने समाज का जिस प्रकार से धीरे 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 उसमें करते हुए गद्य की ओर लोग बढ़ गए, और गद्य के क्षेत्र में काफी काम हुआ है। और लेकिन वो साहित्य की जो एक दिव्य दृष्टि वाली बात थी, एक उस जो दूरगामी दृष्टि जो समाज को सचमुच में एक स्थायी स्थिर करके उसके व्यक्तित्व को जो एक सशक्त बनाती है, उस धारा की बजाय एक तरह की कुछ बहुत सी विचार पद्धतियों ने आकर के वो रूप धारण कर लिया, और दशकों की कविता, दशकों की कहानी, और 10 साल में साहित्य जो चुक जाए, खत्म हो जाए, इस प्रकार की कुछ विचारधाराएं आने लगी।
तो उससे लगता है कि हिंदी की दार्शनिकता को थोड़ा अवरुद्ध हो गई है। ये उपनिषद की एक उपाख्यान के साथ मैं इसका समापन करूंगा। उपनिषद के अंदर एक आता है कि उसमें राजा अजात शत्रु थे तो राजा, लेकिन दार्शनिक थे, चिंतक थे, विचारक थे। तो एक उस समय में कोई ऋषि भी थे, उनका दृप्त बाला की गार्ग्य उनको कहते थे। तो गार्ग्य जो थे वो भी बहुत उसमें भाव साधना में, ज्ञान साधना में वो भी बहुत प्रखर थे। तो वो उनको जब लगा कि वे मेरे भीतर कुछ एनलाइटनमेंट, एक प्रकाश का उसमें उदय हुआ है, तो वो अजात शत्रु के पास गए। तो अजात शत्रु ने कहा, ये बात कहिए। उन्होंने कहा कि राजन, मैं आपसे संवाद करने आया हूँ। मुझे ऐसा, मैंने अमुक तत्व को लेकर के, ये आकाश तत्व को लेकर के, सूर्य को लेकर, ये मैंने ऐसी ऐसी कुछ अद्भुत संकल्पनाएं, बड़े अद्भुत अनुभव मेरे को हुए हैं, जो कई दृष्टियों से, ये एक तत्व विज्ञान की दृष्टि से बड़ी उपयोगी हो सकती हैं। वो तो उन्होंने कहा कि हाँ सुनाओ। तो जब वो सुनाने लगे तो अजात शत्रु कहे कि नहीं नहीं बस करो, ये मेरे को पता है, ये मैंने भी करके, मैंने देखा हुआ है। तो उन्होंने कोई अपना 15-20 इस प्रकार से बाहर उन्होंने प्रयास किया कि मैंने ये फिर देखा, इसको देखिए। तो वो अजात शत्रु ने उनको कहा कि गार्गी, ये भी मैंने देखा है, और आगे कुछ है तो और आगे कहो। तो वो बार बार जो भी बताएं तो उसके बाद वो कहें कि कुछ और आगे कहो, नहींता बताइए तो दुक्तम भवती, इतने मात्र से ये बात बनी नहीं, इतनी ये चलते जाना है। चिंतन साहित्य दर्शन और इसी दिशा साहित्य की दिशा में अग्रसरता जो है, अग्रसरता का अवरोध नहीं होना चाहिए, आगे चलो। तो वो उसमें जाकर के उसको जब तक तत्व दर्शन का साक्षात्कार, वो गार्ग अजात शत्रु को कहते हैं कि फिर आप ही मुझे बताइए। तो अजात शत्रु ने बड़ा विनम्र भाव से उसको कहा, ये तो उल्टी बात है कि मैं जो नॉन टीचर हूँ, आप टीचर हैं, आप अध्यापन है उसमें, तो मैं आपको पढ़ाऊँ, ये बड़ी विचित्र सी बात है। तो वो टीचर भी कैसा है गार्ग, वो कहते नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पढ़ाए मुझे बताइए, आप क्या जानते हैं। तो उन्होंने उसको आत्म तत्व का, गार्ग को वो अनुभव कराया, उसको साथ ले गए, ले जा करके उनको अनुभव कराया। अनुभव कराने के बाद गार्ग शांत हुए। तो ये अभिप्राय कहने का ये कि दार्शनिक जो मेधा है, ये हमारे हिंदी के वर्तमान काल के कवियों में भी अगर आप देखें तो एक बाहर से ली हुई, जो एक हमने बोरो किए हुए कुछ जो टर्मिनोलॉजी थी, पलायनवाद एक शब्द आया कि ये अगर अध्यात्म के बारे में साहित्य में चर्चा आ गई तो पलायनवाद, तो फिर सारे पलायनवादी ही, कबीर भी पलायनवादी, कबीर के बहुत से दोहे ऐसे हैं, सारे हिंदी साहित्य में सब पलायनवादी ही, सारे भारतीय ही पलायनवादी नजर आएंगे। तो पलायनवाद है ये, अगर उसमें वो ये नहीं समझते कि ये संवेदनशीलता को, संवेदना को तीव्र करना ताकि वो सत्य को ग्रहण करने के योग्य बन सके। सत्य को ग्रहण तभी करेंगे साहित्य के माध्यम से, दार्शनिक चिंतन के माध्यम से, जब हमारी संवेदना सूक्ष्म होगी, तरल होगी। तो उस संवेदना में हम निराला का बहुत सारा ऐसा साहित्य है जिसके अंदर वो कहते हैं बड़े, उसमें जागो फिर एक बार कविता दो बार लिखी उन्होंने, पहली बार 18 में लिखी शायद, दूसरी बार 22 में, फिर उसका दूसरा संस्करण लिखा। तो उसमें कहा, योग्य जन जीता है पश्चिम की उक्ति नहीं, गीता है गीता है, स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार।
अभी क्या निराला, अब उसे लिया कि निराला पहले तो कहते रहे कि बहुत प्रगतिवादी है, लेकिन उनकी जो छत्रपति शिवाजी के या तुलसीदास के ऊपर बनारस में आचार्य द्विवेदी के समय में कहीं ये तुलसीदास उनका जो काव्य है वो तुलसीदास कविता लॉन्ग पोइम जो है वो उसको कोर्स में उसने रिकमेंड कर दिया तो हिंदी विभाग वालों ने उसमें हल्ला कर दिया कि नहीं ये सारे का सारा उसमें यथास्थिति वादी है और ये है ठीक नहीं है। तो हिंदी के प्रति जिन कारणों से अरुचि हमारे भीतर आई वो ये था कि हिंदी के माध्यम से जो थोड़े से जिज्ञासु लोग तो थे लेकिन वो आकर के कहीं पश्चिम के दर्शन को अपना दर्शन मान करके वो प्रयोग किए, प्रयोग करने में कोई हानि नहीं थी लेकिन उन प्रयोगों के माध्यम से होने वाला जो एक पॉल्यूशन था उस पॉल्यूशन से जैसे हम पर्यावरण के बारे में चिंतित हो रहे हैं ऐसे भाषा के अंदर भी एक प्रदूषण होता है, भाषा के उस प्रदूषण के बारे में भी जागरूक होना पड़ता है, सचेतन होना पड़ता है। अब आप प्लांटेशन कर रहे हैं कि इतने फलां तारीख को इतने प्लांट्स लगाओ, उसमें इतने करो इतने करो, तो ये जो प्लांट्स हैं उसी तरह से भाषा के अंदर भी आप देखेंगे तो आधुनिक युग में भी ये जो चतुष्टयी है, निराला है, प्रसाद है, पंत है, महादेवी वर्मा है, अद्भुत संवेदना के ये कवि हैं, अद्भुत संवेदना के, बिना संवेदना के न दर्शन समझ में आता है न साहित्य समझ में आता है, इसलिए संवेदना दोनों का मूल है। तो भाषागत जो संवेदना है हिंदी ने उस संवेदना को समृद्ध किया और इस क्षेत्र की बहुत बड़ी, इस देश की जब हम लोग विद्यार्थी थे तो हम सुनते थे कि हिंदी राष्ट्रभाषा होगी लेकिन वो राष्ट्रभाषा होने का जो स्वप्न था वो थोड़ा सा इस दृष्टि से हो गया कि उसमें बहुत सारा थोड़ा सा बाहर से उसमें पॉल्यूशन, थोड़ा सा तो नदी की धारा सहन कर लेती है लेकिन गंगा जैसी धारा में भी जब बहुत ज्यादा उसमें पॉल्यूशन इकट्ठी होनी शुरू हो जाए, नाना नगरियों के उसमें गटर जो है वो उसके अंदर जाने लगेंगे तो वो गंगा जो है वो भी मलिन हो जाती है। तो इसलिए उसको उसकी संवेदना को कि हिंदी साहित्य की मूल संवेदना क्या है वो ठीक है कि जो लोग उपेक्षित हैं, जो प्रताड़ित हैं, क्योंकि लोक भाषा का मतलब यही था कि सभी लोगों के बारे में वो अपनी चिंता प्रकट करें, जो अन्याय से पीड़ित लोग रहे हैं उनको न्याय दिलवाने में साहित्य वो सर्जना जो है वो काम दे, और ये लोग कर रहे थे, चाहे वो मैथिली शरण गुप्त थे, चाहे वो राष्ट्रकवि दिनकर थे, दूसरे लोग थे, वो लोग इस दिशा में अग्रसर हो रहे थे लेकिन चलते चलते ऐसे लगा कि जैसे कुछ थोड़ी धारा मंद पड़ गई है, वो रुकी है, उस धारा को खोलने का प्रयास अगर हम लोग इन ज्ञान सत्रों के माध्यम से, इन व्याख्यान मालाओं के माध्यम से हम उस अवरोध को तोड़ करके उसे अग्रसर करने की ओर चलें तो मैं समझता हूँ कि जो हिंदी भाषा का साहित्य है उसके पास दार्शनिक दृष्टि से बहुत कुछ देने को है और उसका एक निश्चित रूप से उसका दर्शन खड़ा किया जा सकता है और वो दर्शन संवेदना का दर्शन होगा और ये संवेदना का दर्शन जो है निश्चित रूप से सभी लोगों के घर घर तक जाना चाहिए। ये क्योंकि हिंदी जो है वो केवल मात्र बहुत ही ऐसी भाषा नहीं थी कि जिस भाषा को हम कहें कि केवल मात्र कुछ सिलेक्टेड बुद्धिजीवियों के मात्र केवल बुद्धिजीवियों तक जीने की भाषा है। बहुत सी ऐसी कविताएं ऐसी रही कि जो अधिक केवल मात्र बुद्धिजीवी ही उसका स्वादन कर सकते थे, दूसरे लोग नहीं कर सकते थे। तो वो चेतना को जागृत करने के लिए मैं समझता हूँ कि हिंदी का इस प्रकार के आयोजनों से आप लोग प्रयास कर रहे हैं तो मैं समस्त शुभकामनाएं देता हूँ इसके लिए, इस सफलता के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत ही
सुंदर तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से आपने भक्ति काल से लेकर आधुनिक काल तक हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि को और उसकी दार्शनिकता को बहुत ही मैं कहती हूँ हृदय स्पर्शी ढंग से, कि हम उसको सुनना चाहते थे, हृदय से जानना चाहते थे हिंदी के लोग कि हिंदी साहित्य का दर्शन क्या है। और आपने जितनी खूबसूरती से इसको बताया है, बहुत ही आनंद भी आया और एक समझ भी बनी, और ये भी पता चला कि संवेदना का दर्शन ही हिंदी का दर्शन है, और ये कहीं ना कहीं अभी पीछे छूटा है, बहुत पीछे नहीं हल्का पीछे, जब से पश्चिमी विचारधाराओं को हमने ज्यों का त्यों लेना शुरू किया है शायद तब से। और कितनी अच्छी आपकी पकड़ थी पूरे आधुनिक युग पर भी, गद्य पर भी, पद्य पर भी, और अगर मैं कहूँ भक्ति काल का कृष्ण भक्ति काव्य या तुलसीदास जी का पूरा आपने जो दर्शन हमारे सामने प्रस्तुत किया, ये हम सब कुछ जानते भी हैं, लेकिन कहना आपका कि बार बार इसको विचार करने से ही परिपक्व होता है और हमारी दृष्टि स्पष्ट होती है, और जो हमारे साथ युवा जुड़े हुए हैं इतने, उनको एक दृष्टि मिलती है, अन्यथा साहित्य क्यों पढ़ा जाए, साहित्य क्या कर सकता है समाज का, ये बहुत सारी चीजें आजकल के साइंस के लोग, विज्ञान के लोग इस बात पर बहुत प्रश्न चिन्ह भी उठाते हैं। तो इस वजह से भी हम हिंदी या साहित्य के लोगों को अपने युवाओं के लिए सब कुछ है, या युवाओं को साथ लेकर हमें चलना है, तो हमें एक दृष्टि उनको प्रदान करनी होगी, और जब तक हमारे पास दृष्टि अपनी स्पष्ट नहीं होगी तो शायद हम एक स्पष्ट दृष्टि दे भी नहीं सकेंगे। तो आज सच में आपने एक स्पष्ट दृष्टि हमें प्रदान की है, और इस सारे वक्तव्य के माध्यम से, और हम कामायनी पढ़ते हैं, ये मेरा ख्याल ग्रेजुएशन के बच्चे भी पढ़ते हैं, स्नातक और स्नातकोत्तर वाले भी पढ़ते हैं, इसमें शैव दर्शन है, और किस तरह से जयशंकर प्रसाद जी का ये दर्शन, अगर किसी को दर्शन की समझ नहीं है तो साहित्य भी समझ नहीं आएगा। तो ये एक बस मेरा आपसे सवाल है, वक्तव्य सबने बहुत अच्छी तरह से सुना होगा, और निराला जी की जो बात आपने की, गीता की बात निराला जी करते हैं, तो लेकिन हम जब किस तरह का अपने देश में, अपने भाषा में किस तरह के दर्शन की बात करना चाहते हैं, तो एक आरोप एकदम लगता है कि हम हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं, ये हिंदू मतलब अगर हम ऐसा बात करना भी चाहें, अगर मैं ही बात कहना चाहूँ कि गीता का दर्शन ये है और वेदों का दर्शन ये है, इतना स्पष्ट है आत्मा परमात्मा, ये शरीर, ये आत्मा, बिल्कुल दोनों अलग चीजें हैं, हमें दो स्तरों पर जीना होता है, संसार के कार्य शरीर के द्वारा हो रहे हैं, आत्मा परमात्मा से मिलने का कार्य कर रही है, तो अगर हम ये बात करना भी चाहें तो हमें लोग हिंदुत्व के मतलब हमें लगता है कि हम अपनी उस विचारधारा को परिपक्व करना चाहते हैं और हम किसी एक विशेष संगठन से जुड़े हैं, तो इस सारे माया जाल से हम कैसे निकल सकते हैं, और एक स्वस्थ कैसे प्रदान करते हैं, बड़ा एक महत्वपूर्ण प्रश्न इस संदर्भ में है। उसमें सर आवाज नहीं आ रही। हेलो, आ रही है अब, आ रही है नहीं? हाँ जी, हाँ जी सर, अब आ रही है। उसमें देखिए, ये थोड़ा जब मैंने ये प्रदूषण की बात की थी, वो प्रदूषण क्या है कि साहित्य के अंदर राजनीति का समावेश हो गया, साहित्य जो है उसके अंदर राजनीति का समावेश जब हो जाता है तो उसके अंदर ये लोग जो है वो उसको इस तरह के स्लोगन बनाने लगते हैं, इस प्रकार की वो मिथ्या धारणाएं बना लेते हैं कि गीता कहने से वो, उसमें निराला को भी संभवतः बहुत जगह पढ़ाना लोगों ने बंद कर दिया, छायावादी कवियों को, इसी कारण से छायावादी कवि जो है वो हिंदी का सौंदर्य दर्शन अगर किसको कहा जाए, क्योंकि दर्शन की जो ब्रांचेस हैं, दर्शन की जो शाखाएं, उनमें सौंदर्य दर्शन एस्थेटिक्स उसका एक बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है, लेकिन उस महत्वपूर्ण पक्ष में ये जो चतुष्टयी है, छायावाद के चार स्तंभ हैं, इनको, इनकी उपेक्षा लगभग, मुझे ऐसे लगा, मेरा बहुत ज्यादा संपर्क तो नहीं रहा, लेकिन कभी कभी हिंदी वालों से कोई चर्चा हो जाती है तो उससे ऐसे लगता है कि जैसे कामायनी को पढ़ाने के लिए जिस प्रकार की दृष्टि चाहिए
वो ना होने थे, लोग उसकी जगह उसका कोई सब्स्टिट्यूट, दूसरा कोई आसान सा कोई सब्स्टिट्यूट उसमें स्थापित कर लेते हैं कोर्ट के अंदर, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा अपनी दृष्टि और अपनी आस्था, अपने जो कामायनी को समझाने के लिए आप प्रसाद की मेधा के ऊपर। अब वो एक जगह मुझे अब तक याद है कि मैंने उनका एक बार स्टूडेंट डेज में चंद्रगुप्त नाटक पढ़ा था, वो चंद्रगुप्त नाटक की पंक्तियां मैं आपको आज भी वैसे की वैसे, मैंने कभी उनको इससे पहले कभी दोहराया नहीं ना कभी देखा, लेकिन उसमें चाणक्य कहते हैं कि समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, फूल जब गूंथे जाते हैं, माला जब बनती है तो फूल मुरझा जाते हैं। ये पंक्ति प्रसाद की, ये एक इसके पीछे संवेदना क्या है, हृदय की पकड़ क्या है, तो इसमें कोई ना हिंदुत्व है ना बेहिंदुत्व है, वो सभी लोगों के लिए ये हिंदुत्व का और ये इस प्रकार का जो राजनीतिक ये जो सांप्रदायिकता आई है वो धार्मिकता रिलीजियोसिटी का कंडम करते हैं, लेकिन स्वयं उतने ही ब्लाइंड है। हिंदी के अंदर वही स्थिति आई कि अगर हमने मेरे से एक वाम उसके विचारधारा के बड़े विद्वान थे और उसको समर्पित थे, उन्होंने वाम विचारधारा को बहुत दिया, वो आए दक्षिण भारत के थे और मेरे से कहा उन्होंने कि हमारे से दुर्भाग्य ये हुआ कि हमने मार्क्सवाद को जिस ढंग से साहित्य में हिंदुस्तान की भाषाओं में जैसे एंटरटेन किया वो गलत था, वो स्वयं पोलिट ब्यूरो के सदस्य थे और मेरे से शेयर किया उन्होंने इस बात को कि जिस ढंग से मार्क्सवादी विचारधारा को भारतीय भाषाओं के अंदर इस तरह से प्रविष्ट करने का हमने प्रयास, वो हमारा प्रयास गलत सिद्ध हुआ, हमें यही की शैली को, हमें सत्यनारायण की कथा के माध्यम से मार्क्सिज्म समझाना चाहिए था। वो सत्यनारायण की कथा में क्या था कि जो सांच सत्य ही नारायण है, सांच ही नारायण है, उससे जो अलग होके चलेगा दूसरे के अधिकारों को नष्ट करेगा वो मरेगा, वो दुष्ट है। जो असत्य को नारायण मानने वाला है वो चाहे वामपंथी हो चाहे दक्षिणपंथी हो वो स्वीकार्य नहीं है, इसलिए ये वो स्वयं इस तरह का। लेकिन वो जो एक राजनीति का प्रवेश है उसके अंदर ये है कि नहीं आप हमारी उसमें ये देखिए, वो उस ढंग से विकृत कर देते हैं उसको। मैं उसी दृष्टि से कह रहा हूं ये चलता है, क्योंकि दुराग्रही दुराग्रह होता है, लेकिन जो समर्पित लोग होते हैं, साधना को समर्पित लोग होते हैं, वो अपने मार्ग पर चलते हैं। दिया जलता है, दिया जलता है, आते रहते हैं लोग जाते रहते हैं, वो उसमें उसे प्रकाश देना है वो चलेगा, उससे जो लेने वाले प्रकाश लेने वाला कहीं ना कहीं कोई ना कोई आ जाता है। इसलिए इस समय ये एक संकट की स्थिति है साहित्य को, क्योंकि लोगों की साहित्य में ही अब रुचि नहीं रही, गद्य अखबार ये जो जर्नलिज्म है इस अखबारी जर्नलिज्म ने साहित्य को बिल्कुल ही तबाह करके रख दिया है, उस लेवल पर ले आए अखबारी लेवल के, अखबारी लेवल का जो साहित्य है अब वो साहित्य बन रहा है, उसके अंदर मनुष्य की उस गहराई उस ऊष्मा का अनुभव, मनुष्य के व्यक्तित्व की वो जो चेतना का प्रकाश और आलोक और ऊष्मा है, तप है, वो तप उसमें नहीं है। उसकी 10-20 ऐसी खबरें पढ़ लो, पढ़ने के बाद आप संतप्त होकर के बैठ जाओगे कि ये उसने माँ ने बेटे को मार दिया, बेटे ने माँ को मार दिया, उसने उसको कर दिया, उसने उसको कर दिया और ये सब कर दिया, उसने उसको बिट्रे किया, और राजनीति में बिट्रेयल तो होती है जी, देखो उससे क्या हुआ कि हमारी सभी संस्थाओं को, हमारी सभी संस्थाओं को, चाहे वो फैमिली संस्था है, चाहे हमारी टीचिंग संस्था है, चाहे जुडिशरी संस्था है, सभी संस्थाओं में वो पॉल्यूशन ने ये दोष पैदा किया है, क्योंकि एक वो संवेदना की विचारधारा जो है, लेकिन वो संवेदनशीलता को
इनके कहने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। वो लोग कहते हैं, वो तो कुछ तो लोग कहेंगे, कहेंगे उन लोग, उनका काम है कहना, अपना काम करना चाहिए आपने उसमें साधना में। और जो आपके संग आता है, जो आपके साथ आप जिसको ला सकते हैं, उसको संवेदना अपने प्रदान कीजिए कि ये लो। मुझे स्मरण आता है मेरी बेटी की एक बंगला टीचर थी, मैंने उस पर आर्टिकल लिखा एक, वो बंगला टीचर थी, उनको कहीं पता लग गया कि उनके गले में कैंसर हो गया है, तो उन्होंने बेटी को बुलाया स्कूल में और बुला करके कहा कि मेरा कंठ बिल्कुल कुछ दिन में रुक जाएगा बिल्कुल, और तुम ये बंगला गीत मेरे से बेटा सीख लो अभी। वो मुझे उस बात को सुन के जब बेटी ने बताया तो हृदय बड़ा द्रवित हुआ कि वो अपने कंठ को इसके गले में डाल के जाना चाहती है, वो अपनी संवेदना को वो इसको देना चाहती है। तो बेटा मैंने कहा बहुत अच्छा है, तुम उनका वो बंगला गीत जो है उसको ग्रहण करो, स्वीकार करो। इसलिए वो जो धारा जो है शाश्वत जो है उसमें ना, जिसे हम कहते हैं माटी ने प्रदीप छिलो, एक मिट्टी का दिया छोटा सा उठा, उसने कहा स्वामी जब तक कल सवेरे तक ये सूर्य तुम नहीं आ जाओगे तो रात भर मैं अंधेरे के साथ मैं लड़ूंगा आपकी जगह, मैं आपकी तरह प्रकाश तो नहीं कर पाऊंगा लेकिन मैं आपका एक छोटा सा सिपाही के तौर पर लड़ूंगा, उसमें संघर्ष करूंगा उसमें। हाँ, इसलिए उसमें कोई बात नहीं, आप ये तो है, इस धारा का खंडन करना पड़ता है। बहुत सुंदर सर, आशावादी दृष्टिकोण और ये आस्था हमारी इसी तरह से बनी रहे, निरंतर नहीं बराबर बनी रहे, बढ़ते रहे, आपके सानिध्य में रहकर बहुत कुछ नया सीखते रहे। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और उन सभी का जो हमारे साथ जुड़े रहे और आज हिंदी साहित्य का दर्शन बहुत अच्छे से हम सब ने डॉक्टर रमाकांत आंगिरस जी के साथ सुना और बड़ा स्पष्ट भी हुआ, और आगे एक आशा भी उन्होंने जगाई कि इस तरह का जो साहित्य है वो आगे भी लिखा जाएगा, इसमें गंभीरता है, इसमें जो है विस्तार है, संवेदना है, और सबसे बड़ी बात है आशा है। तो ये हम जो है आशा का दीप नहीं बुझेगा, और ऐसा साहित्य बहुत समय तक जीवित रहता है और समाज को जो है प्रकाशित करता है, दिशा दिखाता है और समाज को स्वस्थ चिंतन देता है। तो इसी आशा के साथ और इसी विश्वास के साथ हम डॉक्टर रमाकांत आंगिरस जी का पुनः धन्यवाद करते हैं और उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि वह हमारे निवेदन पर इस विषय जो उन्होंने इससे पहले कभी चर्चित नहीं किया था, इस पर उन्होंने अपने विचार कभी नहीं दिए थे, लेकिन आज हमारे कहने से उन्होंने इतने सुंदर तरीके से इस विषय को जो है हमारे सामने रखा। मैं एक बार पुनः सर पूरे सनातन परिवार की ओर से, कॉलेज की तरफ से, अपने विभाग की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, और आगे के अपने कुछ हमारे जो शंकाएं हैं, हमारी कुछ जिज्ञासाएं हैं, वो किसी न किसी और विषय के साथ जुड़ी हैं, उसके साथ फिर आपके साथ हम दोबारा मुलाकात करेंगे, दोबारा आपका उद्बोधन सुनेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। फीडबैक फॉर्म हमने डाल दिया है चैट बॉक्स में, आप इसे भर सकते हैं, अभी अभी 5-7 मिनट तक हम इसको ऑन रखेंगे। सभी से अनुरोध है कि जल्दी से आप ये फीडबैक फॉर्म भर दें। आज के इस आनंद के लिए, क्योंकि विचारो उत्सव था और उत्सव जो है उसमें आनंद होता है, सच में बहुत आनंद आया, पूरी परंपरा को, पूरे साहित्य को, उसके दर्शन को जानकर एक जिज्ञासा आपके मन में हम उत्पन्न करना चाहते हैं इसके माध्यम से, कि दर्शन जो हमें दृष्टि प्रदान करता है, इस चीज को कैसे देखा जाए, यानी कि जीवन को, संसार को, अपनी समस्याओं को, अपने को और इस विराट सत्ता को किस तरह से देखा जाए। भारतीय दर्शन बिल्कुल स्पष्ट इस चीज को दिखाता है, हम इस ओर जिज्ञासा रखें और इस ओर थोड़ा सा अपने मन को जो है मोड़ें, ताकि वो गहरी समझ जो हमारे भारतीय ऋषियों ने, मुनियों ने बड़ी तपस्या के साथ, बड़ी साधना के साथ, एक
जो है वो हमें दी है विरासत में, हम बहुत भाग्यशाली हैं, बस हम उस पर दृष्टि नहीं डाल रहे हैं। उस दर्शन से दृष्टि प्राप्त कर हम अपने जीवन, अपने समाज, यानी कि पूरे विश्व, ये विश्व बंधुत्व की भावना, ये विश्व बंधुत्व की दृष्टि जो देता है हमारा दर्शन, उससे जुड़े, उससे अवगत हों। आपके जीवन में जो सुख है, जो वास्तविक आनंद है, उसकी उत्पत्ति कैसे हो सकती है, बहुत सरल तरीके से जो है समझाया है, और साहित्य उसी को हमें प्रदान करता है। जहाँ साहित्य में ये चीज नहीं होती है, वो साहित्य आपको थोड़ी देर के लिए आकर्षित कर सकता है, ज्यादा देर के लिए नहीं। तो आज के इस सारे व्याख्यान के बाद आपको मुझे पूरा विश्वास है, खासकर अपने विद्यार्थियों से, मेरे MA के विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, तो इनसे मेरा विशेष निवेदन रहेगा कि आप साहित्य को इस दृष्टि से देखना शुरू करें, दर्शन को समझना शुरू करें। आपकी दृष्टि बहुत व्यापक होगी, उदार होगी, और आप अपने आप को बहुत ऊंचे स्तर पर जो है वो अनुभव करेंगे। धन्यवाद आप सभी का, और फीडबैक फॉर्म आपने भर दिया होगा।